श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। ॐ व्यासं वसिष्ठनवतारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वंदे शुकदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सत्रहवां अध्याय में 22वां श्लोक तक हमारा अभी तक पूरा हुआ पिछले महीने से, ठीक है। अंत में अभी तक श्रद्धा के विषय में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे थे। अर्जुन का प्रश्न क्या था? जिसका शास्त्र ज्ञान नहीं है, शास्त्र विधान को अपनाते नहीं है मगर श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा राजसिक है, सात्विक है, तामसिक है, तो भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं श्रद्धा के बारे में। कहते हैं श्रद्धामयोयम पुरुषः, माने ये पुरुष की जो आकृति है, जो मैं पुरुष जो है वो कौन है? खुद की श्रद्धा है, अपनी ही श्रद्धा की आकृति ही एक व्यक्ति है, खुद की आकृति है और श्रद्धा से ही पुरुष बनता है, श्रद्धा ही पुरुष का मूल है। इसके बाद भगवान समझाया कि तीन प्रकार की श्रद्धाएं होती है, क्या है वो? सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। ये यज्ञ दान तप सभीों में ये इस तरह की तीन प्रकार की श्रद्धा होती है, ठीक है। पहले आहार बताया, सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार, फिर यज्ञ, फिर तप में कायिक तपस्या, वाचिक तपस्या और मानसिक तपस्या। इसके बाद में उसकी तपस्या की सात्विक तपस्या, राजसिक तपस्या और शारीरिक तपस्या में सात्विक तपस्या, राजसिक तपस्या और तामसिक तपस्या। वाणी के द्वारा जो करने योग के जाने जो तपस्या है, सात्विक तपस्या क्या है और अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियतम, ये सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ने बताया। अभी सारा यज्ञ याग इत्यादि कर्म, क्योंकि 18वां अध्याय में आते हैं यज्ञ दान तप इत्यादि कर्म करना है न त्याज्यम, भगवान कहते हैं स्पष्ट कहते हैं तो वहां पे इसकी त्याग ना, है ना, यज्ञ कर्म दान कर्म इत्यादि कर्मों का त्याग कभी नहीं करना है, न त्याज्यम, देखिए छोड़ना नहीं। जब तक शरीर है तब तक यज्ञ कर्म, क्योंकि यदि यज्ञ याग आदि तपस्या में हमारा मन या कार्य हम नहीं करते हैं तो फिर हम और कुछ कर रहे हैं, करते होंगे, क्योंकि कर्म के बंधन से हम छुटकारा नहीं पाया, कर्म के बंधन में ही पड़े हैं। तो यदि आप यज्ञ कर्म नहीं कर रहे हैं तो और कोई कर्म आप कर रहे हैं, तो बिना कर्म रहना असंभव, ठीक है ना। तो भगवान 18वां अध्याय में अच्छे ढंग से समझाते, हम देखेंगे इसके बाद में। अभी यज्ञ दान तप प्रभृति नाम सद्गुण्यकरणाय, सद्गुण्यकरणाय मतलब सद्गुण संपन्न बनाना है। देखिए क्योंकि यज्ञ में कर्म, यज्ञ दान में तप में इत्यादि कर्म में कुछ कुछ कमी रही जाती है ना, एक कमियों की पूर्ति के लिए वेद वेद पंडित लोग भी यज्ञ करते हैं, कुछ ना कुछ लोप आ ही जाता है, ये एकदम
कुछ लोप नहीं है, सद्गुण संपन्न युक्त ऐसा यज्ञ का संपन्न हुआ ये असंभव है, लगभग मुश्किल है, क्योंकि कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो इसीलिए यज्ञ दान तप इत्यादि कर्मों को संपन्न करने के लिए भगवान एक रास्ता दिखाता है। जो भी कमी है इसमें, इन कमियों की पूर्ति के लिए भगवान एक रास्ता या मार्ग दिखाता है, दिखाते हैं अभी इस अभी 23rd श्लोक से। ठीक है, अभी आगे हम देखेंगे। तो सद्गुण्य करणाय, उनको सद्गुण संपन्न बनाने, करणाय माने उनको सद्गुण संपन्न करने के लिए उपदेश, उपदेश उच्यते, एक उपदेश देते हैं भगवान। ठीक है, जैसे कि देखिए अभी हम पाकशास्त्र में बताया जाता है, पाकशास्त्र माने ठीक है, आप फिर बड़े बड़े ज्ञानी बन गए। पाकशास्त्र में सभी लोग यहाँ पे निष्णात है, कुछ लोग खाने में, कुछ लोग बनाने में, कुछ लोग दोनों में। ठीक है, अच्छा पाकशास्त्र में कुछ कुछ टेक्निक्स देते, उपदेश देते हैं कि इसमें एक कुछ एसेंस डाल दिया जाए, खुशबू आ जाता है, रंग आ जाता है कि नहीं। वास्तव में रंग का कोई संबंध नहीं है, उसको और सद्गुण संपन्न दिखने में अच्छा हो, खाने में भी अच्छा हो और परोसने समय भी अच्छा दिखे, इसीलिए कुछ कुछ डाला जाता है। अंग्रेज में कहते उसको गार्निशिंग कहते हैं, गार्निशिंग, क्यों सुंदर दिखे। और कुछ लोग, कई लोग हैं पुराण काल में, ये सब गार्निशिंग की संबंधी नहीं है, अच्छा खाना स्वादिष्ट हो, खाने के बाद पता लगता है कि स्वादिष्ट है या नहीं, इसका रूप रंग से मतलब ही नहीं था पहले आपके बचपन में, अभी रूप रंग के भी थोड़ा कुछ आया गया, तो दिखना चाहिए सुंदर, दिखना चाहिए खाना। तो सुंदर बनाने के लिए, दिखने में बनाने के लिए और कुछ 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 टेक्निक्स देते हैं, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा काटो, ऐसा डालो, ऐसा परोसो, ऐसा रखो इसके ऊपर, ऐसा गार्निश करो तो सुंदर दिखता है ना। माने और कुछ कुछ चीजें हैं जो पाकशास्त्री लोग जो होते हैं, पाकशास्त्री माने खाना बनाने वाले, जो वो लोग कुछ कुछ बनाने के बाद भी कुछ भी रंग कमी हो जाए उसमें, उनको उसको रिपेयर करने का तरीका भी आते हैं, वो रिपेयर कर लेते हैं। रिपेयर माने कुछ ना कुछ डालो, कुछ करो, कुछ करो, मगर स्वादिष्ट बना दो, कमी जो थी उसकी पूर्ति के लिए कुछ आखिर में टेस्ट करके इसमें ये कम रह गया, इसमें ये डालने से ये कमी की पूर्ति हो जाती है, करते हैं कि नहीं करते हैं। कपड़े वाले में भी कभी कोई कपड़ा पट गया हो तो फिर वहां पे कुछ एम्ब्रॉयडर बना देते हैं, ठीक है, वो सुंदर एक कमल बना दिया वहां पे, वो सुंदर कमल पहना हुआ एक शर्ट पहन के घूमता है, वास्तव में पट गया था, उसको सुंदर बना दिया कि नहीं, सद्गुण बना दिया। इसी तरह यज्ञ में, दान में, तप में जो भी कमी हो जाती है, उस सब की पूर्ति के लिए, दोष निवारण के लिए भगवान अभी उपदेश दे रहे हैं। तो इन ये उपदेशों को पाकर भगवान समझा, ये इस उपदेश को आप प्राप्त करके, भगवान का जो उपदेश जो है उसको स्वीकार करके, उसका प्रयोग करके यज्ञ में कमियों को और दान में कमी और तप में भी जो भी कमी है उस सबके निवारण कर सकते हैं, माने पूर्ति हो जाती है और फल आपको मिलेगा। यह है अभी आज का विषय, ठीक है, आज का विषय माने आज हम समाप्त करेंगे 17वां अध्याय। ओम तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा।
तत्सदिति निर्देशः ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। आप देखिए ओम तत् सत् ये तीन है। ओम तत् सत् इति येषः निर्देशः, ये निर्देश है, माने निर्दिश्यते अनेन इति निर्देशः। ये अभी देखिए यहां पे देखिए ओम, अभी बीएमआई चार्ट में देखेंगे हिंदी में, ये ओम है। निर्देशक माने बताने वाला, इशारा, इसको इशारा किया जाए कैसे। जो आदमी का नाम आप लेते हैं वो नाम भी एक निर्देश है। कुछ कुछ लोग भीड़ वहां पे बैठी हैं तो भीड़ के अंदर किसी आदमी को आपको ढूंढना है, चलो उसको उस आदमी को लेके आओ, नाम तो बताओ। नाम पता लग गया, नाम एक निर्देश है, ध्यान से सुनना। नाम पुकारा तो उस व्यक्ति को ही ये नाम जाता है, तो उस व्यक्ति इस नाम से निर्देशित किया जाता है, सूचित किया गया, इशारा दिया गया। ब्रह्म का जो ब्रह्म है, ब्रह्म वस्तु जो है, उसका भी तीन निर्देश है, इनका तीन नाम है। एक एक नाम ब्रह्म का ही सूचक है, ब्रह्म का ही निर्देश है, ब्रह्म को ही इशारा देता है। यहां पे चिद्रूपानंद कौन है, सब लोग इशारा देते हैं वो है वो है वो है। यहां पे कोई रामाराव जी है, कौन है, वो रामाराव जी वो है, वाकड़ा है बैठा है, ठीक है। अच्छा एक निर्देशक हो गया। यहां पे सन्यासी कौन है, फिर उम्र दिखाएंगे। अच्छा यहां का आश्रम का अभी वर्तमान आचार्य कौन है, वो कोई उम्र फिर दिखाते हैं। अच्छा यहां पर कोई काम धंधा बिना काम वाला घूमने वाला कौन है, जिसके पास नौकरी कुछ नहीं है, सुबह से शाम तक घूमता रहता है इधर उधर, कुछ पढ़ते रहते, वो कौन है, वो यही है, कुछ काम धंधा नहीं है। माने व्यक्ति एक ही है, देखिए कितने इशारा दे रहे हैं। ब्रह्म वस्तु एक ही है मगर तीन निर्देश है, तीन नाम है, तीन नामों के द्वारा ब्रह्म को हम इशारा दे सकते हैं। तो इशारा किया जाए माने निर्देशः, निर्दिश्यते अनेन इति निर्देशः, त्रिविधो नाम निर्देशो ब्रह्मणः स्मृतः। त्रिविधः नाम, तीन प्रकार के नाम है ब्रह्म के, तीन नामों वाले ब्रह्म। ब्रह्म वस्तु एक ही है, तीन नाम है, ओम एक नाम है, तत् एक नाम है, सत् एक नाम है। मगर ओम तत् सत् इन तीन शब्दों का प्रयोग कौन करते हैं, कहां करना है, इसका फल क्या है, अब ये भगवान बताएंगे। और किन किन दोषों का निवारण हो जाता है इसके द्वारा, समझ में आ गया आपको। एक ही ब्रह्म वस्तु तीन नाम है, क्या है, ओम तत् सत्। तो ओम का उच्चारण कब करना है, इसका फल क्या है, यज्ञ यागा तप कपलों में किसके द्वारा ओम का उच्चारण करके क्या फल प्राप्त कर लेते हैं। तो त्रिविधो नाम निर्देश ब्रह्मण स्मृतः चिंतितः, कहां पे, वेदांतेषु ब्रह्मविद्भिः, ब्रह्मज्ञानी जो लोग हैं उनके द्वारा, वेदांत में ब्रह्मज्ञानियों द्वारा इस चीज को मानकर, माना गया है या न तो स्वीकार किया गया है, वो तो जान लिए हैं ये लोग। तो ब्रह्म का नाम तीन है, तीन नाम वाले ब्रह्म है, ओम तत् सत्। कहां पे, किसमें, ब्रह्मवादियों द्वारा, ब्रह्मज्ञानियों द्वारा दिया गया है, बताया गया,
किसमें बताया गया, कहां पे, वेदांत में। तो ओम तत् सत। अच्छा, तत् किसका सूचक है, ब्रह्म का। सत किसका सूचक है, ब्रह्म का। ओम किसका सूचक है, ब्रह्म का। मगर कब प्रयोग करना है अब बताएंगे भगवान। तो ब्राह्मणाः तेन निर्देशेन त्रिविधेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता निर्मिता पुरा पूर्वम इति निर्देश स्तुत्यर्थम उच्यते। अब देखिए, ये त्रिविध नाम से, माने इन तीन नामों से, ओम तत् सत, इन तीन नामों से ही, क्या हुआ, सृष्टि काल में पुरा पूर्वम, सृष्टि काल में ब्राह्मण वेद और यज्ञ ये तीनों बनाए गए हैं। ब्राह्मण वेद और यज्ञ कहां से निकले हैं, इन तीनों नामों से निकले, ओम तत्सत से। किसने बनाया, ब्रह्म बनाया, ये ब्रह्म का आदेश है। देखिए, वेद और यज्ञ का संपन्न ब्राह्मण के बिना नहीं हो सकता। ब्राह्मण माने पंडित, विद्वान, शास्त्रज्ञ, जो विधि विधान को जानने वाले। वेद का ज्ञान प्राप्त करके पुरोहित के रूप में, ऋत्विक के रूप में अन्यों को मार्गदर्शन देने वाले जो ब्राह्मण लोग हैं, शुद्ध आचार विचार व्यवहार वाले, ऐसे ब्राह्मण के बिना वेद और यज्ञ का संपन्न होना असंभव। आप कुछ यज्ञ करते हैं तो ऋत्विक को ढूंढना पड़ेगा, वेद का पठन कराना चाहते हैं तो ऋत्विक को ढूंढना पड़ेगा। पाठ कौन करेगा, वेद का पाठ, वेद तक क्यों, यदि स्मृति ग्रंथ पुराण, यदि आप पुराण का भी पाठ कराना चाहते हैं तो पुराण कर्ताओं को ढूंढना पड़ेगा। भागवत पाठ कराना चाहते हैं तो ब्राह्मणों में भागवत पाठ करने वाले कौन हैं, उनमें से श्रेष्ठ कौन है, उनके लिए ढूंढते हैं कि नहीं, आप लोग ढूंढते हैं। ऐसा कोई दो मिल गया सड़क पर, उसी ब्राह्मण के, वो तो माना या वो कह दिया मैंने ब्राह्मण हूं तो मान लिया, उसको सौंप दिया काम, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये ब्राह्मणों को फरमान, फरमान माने आदेश, ये भगवान एक छापा मारा कि ये तुम लोगों का ही कर्तव्य है। इसलिए विवेकानंद स्वामी और परमाचार्य चंद्रशेखर सरस्वती स्वामी ऐसे महात्मा लोग ब्राह्मण के जीवन के बारे में जो बताते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि उनका जीवन का शैली जो विधान भाला कठिन होता है, कठिन है। सुबह से शाम तक एक विधि विधान से अनुशासन पूर्वक जीना, तभी वो ऋत्विक बन सकता है। ऐसे ऋत्विक लोग, ऐसा मत कहो कि नहीं है अभी आजकल दुमनिया में नहीं है, नहीं, यदि आपका संकल्प सच्चा है, अच्छा संकल्प है, तो ऐसे पंडित विद्वान आपके सामने प्रकट हो जाता है। वर्तमान युग में भी कई लोग हैं, उपासक लोग हैं, विधि विधान से करने वाले लोग हैं। हमारे में यदि ऐसे संस्कार नहीं है तो उस संस्कार जो नहीं है तो ऐसे ब्राह्मणों को मिलना असंभव। हमारे में ऐसा संस्कार है, श्रद्धा है, तो भगवान ही भेजते हैं किसी को। सो ये ब्राह्मणाः वेद और यज्ञ, क्योंकि यज्ञ वेद विधान, वेद का पाठ करने का विधान, वेद का रहस्य समझाने वाले, और यज्ञ कर्म करने का विधान, एक जानने का विधान, करने का विधान, ऋत्विक के बिना, ब्राह्मण के बिना संभव है। ये तीनों उसी नाम वाले ब्रह्म से ही निकले हैं। तीनों नाम वाले ब्रह्म है ना, उन्हीं से निकले हैं तीनों। विहिता देखिए, निर्देशेन त्रिविधेन वेदाः च यज्ञाश्च निर्मिताः, इसका निर्माण हुआ।
भगवान ने बनाया। अब कहते रोग तो कर्म के कारण, मगर डॉक्टर किसने बनाया? डॉक्टर को भगवान ने बनाया, क्योंकि ये एक विशेषता है इस सृष्टि में। आप जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त करते हैं है ना, वो भगवान पहले अपने आप को व्यक्त करने का एक संकल्प करके बैठना है कि यस मैं इस क्षेत्र में जो गुप्त ज्ञान को मैं इसका प्राकट्य करूं, अभी से इस मानव जाति को ये ज्ञान प्राप्त हो जाए करके वो पहला ताला खोल के बैठ जाते हैं। तब हम ढूंढते 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 एक दरवाजा का ताला जहाँ जिसका नहीं है वो उसकी कुंडी खोल देते हैं, फिर हमको तिजोरी मिलती है, हम कहते हैं कि वी डिस्कवर्ड। इसका इसका एक एक विधान अलग है। नेचर डजंट गिव यू द रियल की ऑफ डिस्ट्रक्शन नो इनटू द हैंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी। अपने पास एक चाबी रखती है प्रकृति, सो जो जो खोलना चाहती है भगवान के आदेशानुसार वही विद्या मानव जाति के सामने प्रकट हो जाता है। तो हमारी अभिरुचि, हमारा लगन और ईश्वर का संकल्प और ईश्वर का अनुग्रह जोड़कर सभी में सभी क्षेत्र, इतना भी विज्ञान विज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, ये सब ईश्वर की कृपा ही है। यदि वो चाहते हैं ये गुप्त रखने का, तो आप कितना भी करो कुछ भी करो मिलेगा नहीं आपको ज्ञान, सांकेतिक विज्ञान समझ लो। सांकेतिक विज्ञान माने अंग्रेज में क्या कहते हैं, ठीक है छोड़ दो अंग्रेजी, समझ में आ गया सांकेतिक विज्ञान। टेक्निकल नॉलेज, तो इसीलिए भगवान कहते हैं इसी निर्मिताः पुरा पूर्वम इति निर्देश स्तुत्यर्थम उच्यते। अब देखिए ये निर्देश जो इसकी स्तुति के लिए, ब्रह्म के नाम की स्तुति के लिए भी बता रहे हैं, ओम की स्तुति, तत् की स्तुति, सत की स्तुति। ये उच्चार किया ओम तत् सत, इसलिए पाठ के बाद पूर्ण मंत्र के बाद ओम तत् सत माने सारे जितने भी दोष है वो सब निकल जाते हैं। ठीक है, तो ब्रह्म के तीन नाम हैं, उन्हीं नामों से ब्राह्मणाः वेद और यज्ञ निकले हैं। ठीक है, अभी उन नामों की स्तुति के लिए ही भगवान आगे कहेंगे। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततम् ब्रह्मवादिनाम् तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततम् ब्रह्मवादिनाम्। तस्मात्, देखिए तस्मात् ओम इति उदाहृत्य उच्चार्य, उदाहृत्य माने उच्चार्य, ओम का ओम ऐसा उच्चार करके। यज्ञ दान तप क्रियाः यज्ञादि स्वरूपाः क्रियाः, यज्ञ क्रिया, दान क्रिया, तप क्रिया, जिसका स्वरूप यज्ञ स्वरूप, तप स्वरूप, दान स्वरूप क्रियाएं जो भी है, प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः, विधानोक्ता माने विधि विधान से, कौन है, शास्त्र चोदिताः माने शास्त्र सम्मत होना चाहिए, शास्त्र दिए गए विधानों को अपनाते हुए जो करते हैं ब्राह्मण विद्वान लोग उसके बारे में बता रहे हैं, माने शास्त्र विधानोक्ताः शास्त्र चोदिताः सततम् सर्वदा ब्रह्मवादिनाम ब्रह्मवदनशीलानाम। ब्रह्मवदनशीलानाम माने टीचर्स ऑफ ब्रह्म विद्या,
आचार्य जो पढ़ाते हैं ब्रह्म विद्या को, ठीक है, ब्रह्म विद्या ब्रह्मवादना में नहीं, ब्रह्मवादी माने यहाँ पे वेदवादी इत्यर्थ, वेदवादी ब्रह्मवादी माने यहाँ पर वेदवादी माने वेद अध्ययन, वेद पठन, वेद का ज्ञान इसके पास है, वेद पठन करने वाले, वेद पढ़ाने वाले जो भी आचार्य लोग हैं वे लोग शास्त्र विधान उक्ता, वे वेद पढ़े हैं, स्वयं पढ़े हैं और शास्त्र को पढ़ाते, ठीक है, शास्त्र को ही सामने रखते हुए शास्त्र विधि विधान के द्वारा ही यज्ञ तप दान इत्यादि क्रियाएं करने वाले जो भी है वो लोग ओमकार का उच्चारण करके ही यज्ञ तप आदि क्रिया संपन्न कराते हैं, करते हैं और उच्चार ओमकार का उच्चारण से ही प्रारंभ करते हैं। देखिए यहां पे विशेषता कौन करते हैं, वेदवादी लोग, ब्रह्मवादी माने वेदवादी नाम, वेदवादी माने वेद को पढ़ाने वाले, करने वाले, शिक्षा देने वाले, और उनका स्वभाव कैसा है, शास्त्र विधान को अपनाने वाले, शास्त्र चोदिता, जैसे शास्त्र कहा वैसे ही करते हैं, वो शास्त्र से इधर उधर हटते नहीं। तो कई लोगों को विद्या तो है मगर शास्त्र के अनुसार प्रवर्तन उनका बर्ताव नहीं होता, विद्या है मगर शास्त्र के अनुसार व्यवहार नहीं है। और कई बार अहंकार होता है कि जिस विद्या में आप शिक्षा ग्रहण करते हैं उस विद्या को पढ़ाते समय या स्वयं आचरण करते समय पूरी विधि विधान को आप अपनाते नहीं, क्योंकि मेरे लिए बस ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा काम, मैं अपने लिए कर्म कर रहा हूं, मेरे लिए ये तो ठीक ही चलेगा। देखिए विधि विधान को छोड़ने वाला कौन हो सकता है, विधि विधान को छोड़ा माने जाना, पहले जानने के बाद छोड़ना हुआ ना, जो अज्ञानी है वो कहां छोड़ सकता है, वो पकड़ा ही नहीं कपड़े कभी, जो पकड़ा जिसने पकड़ा उसी को द्वारा छोड़ना हो सकता है, जिसने अज्ञानी कभी पकड़ा ही नहीं ज्ञान को, इस ज्ञान को फिर कैसे छोड़ सकते हैं विधान को, ज्ञान विधि विधान को, तो पढ़े लिखे जो लोग हैं वही लोग छोड़ सकते हैं, जानकर भी छोड़ सकते हैं, मुंह मोड़कर चले जाते हैं, ऐसे नहीं, ये ब्राह्मवादी लोग क्या करते हैं, शास्त्र के अनुसार ओंकार का उच्चारण करके। अच्छा ये ओंकार माने क्या है, अभी देखिए, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिशं विशन्ति। ओंकार किसका प्रतीक है, ब्रह्म का प्रतीक है, माने जिससे सारी सृष्टि निकली है, जिसमें सारी सृष्टि रहती है और जिसके अंदर सारी सृष्टि विलीन हो जाती है वो है ब्रह्म ओंकार, वो वही उसको ओंकार के रूप में बता। ओंकार क्या है, चांदोग्य उपनिषद में आया रसतमत्व सारभूत ओंकार, वहां पे हमने देखा पृथ्वी का सार तो वृक्ष जाते, वृक्ष जाति का सार फिर पृथ्वी, ऐसा तत्व के बारे में एक के तत्व, एक के एक तत्व के बाद दूसरा तत्व, ऐसा आखिर में ओंकार ही सबका सार है, ऐसा वहां पे चांदोग्य उपनिषद में साबित किया गया पहले शुरुआत में मंत्र में। तो सब कुछ ओंकारमय है, तो ओंकार, तो उस ओंकार का उच्चारण करके, तो ओंकार क्या है, ओंकार का उच्चारण मांगलिक है, मांगलिक है, मंगलवाचक, ओम से शुरू किया मंगलवाचक है। और ओंकार क्या है, पतंजलि महर्षि कहते तस्य वाचक प्रणवः, ईश्वर का नाम क्या है, एक नाम ओम, ओम तत्सत इति निर्देशः, योग सूत्र में भी आया तस्य वाचक प्रणवः। इसलिए ओंकार का उच्चारण माने आप ब्रह्म को पुकार रहे हैं, ओम जब आप कहते हैं
किसका नाम आप ले रहे हैं? ब्रह्म का। किसको पुकार रहे हैं? ब्रह्म का। बुला रहे हैं, ब्रह्म को बुला रहे हैं। ओम एक ब्रह्म का नाम है। इसीलिए वेदवादी लोग, ब्रह्मवादी लोग, माने वेदवादी लोग, वेद विधान को जानने वाले, पढ़ाने वाले आचार्य लोग यज्ञ दान तप इत्यादि क्रियाओं में ओंकार का पहला उच्चारण करके ही शुरुआत करते हैं। ओंकार शब्द के बिना प्रत्येक मंत्र के पूर्व ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। देखिए, ओंकार के, ओम शब्द के बिना कोई मंत्र का उच्चारण भी नहीं होता। तो ओम ये है सारे कर्मों में वेदवादी लोग उच्चारण करके यज्ञ 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 दान तप इत्यादि कर्मों को संपन्न करते हैं। तो ओम का प्रयोग हुआ, ओम का प्रयोग, ओम का ओंकार का प्रयोग क्या है? सभी कर्मों में प्रयोग करने से सिद्धि मिलती है, मांगलिक है, सारे दोष दूर हो जाते हैं। तो कर्मकांडी लोग है ओंकार का करना है, ज्ञानी लोग है उच्चारण करते ओंकार का ही उच्चारण करते हैं। क्योंकि ओंकार क्या है? पहले, सबसे पहले शब्द के रूप में ब्रह्म से निकला है। पहला शब्द, क्योंकि देखिए निर्गुण परब्रह्म में जो कहा जाता है परमात्मा अपने आप में स्थित है, कोई प्रकृति नहीं है, उनमें लीन है, योग निद्र में है, वहां पे हम वृत्ति भी नहीं है, हम भी नहीं है। इसके बाद में भगवान को मैं हूं ऐसा ज्ञान हुआ, मैपन का अनुभव हुआ, माने अहम। अहम क्या है? एक वृत्ति के रूप में स्पंदन हुआ। ध्यान से सुनिए, जहां भी स्पंदन है वहां शब्द है। शास्त्रों में, योग शास्त्रों में कहा जाता है, क्योंकि जहां भी स्पंदन है वहां शब्द है। तो अहम वृत्ति के अंदर स्पंदन है तो शब्द निकलना चाहिए। तो उस परमात्मा योग निद्र से जागृत होने के बाद सबसे पहले ओंकार का शब्द निकला। तो गला, एक श्लोक भी है, ब्रह्म के गला से, गला को पाड़ कर परापश्यंती मध्यमा वैखरी, पहला गला पाड़ कर निकला है ओम शब्द। तो इसलिए ओंकार शब्द, ओंकार ही सब कुछ है, ये ब्रह्म का नाम है। तो ओंकार का प्रयोग ये वेदवादी लोग, ब्रह्मवादी लोग करते हैं। ठीक है, यज्ञ याग तप इत्यादि कर्मों में सारे दोषों को दूर करने के लिए ये प्रयोग करके, क्योंकि फल जो भी है, फल में कोई लोप न हो। कर्म करते हैं किस लिए कर्म करते हैं? कुछ फल के लिए। उस फल में अपूर्णता न हो, इस अपूर्णता की पूर्ति के लिए ओंकार का स्मरण। ठीक है, अब उसी ब्रह्म को तत् के रूप में उपासन करने वाले कुछ लोग हैं। ओंकार क्या है? सर्वव्यापक जगत रूपम, सब कुछ, सब कुछ, ये जगत भी ओंकार का ही रूप है, जिससे सब कुछ निकला, जिसमें स्थित है। इस भावना से ओंकार का शब्द करने से ब्रह्म का ही नाम है। ओंकार का समझ क्या है? ये है, अब तत् करके प्रयोग करते हैं, तत् शब्द का प्रयोग। तत् माने क्या है? तदित्यनभिसंधाय
फलम यज्ञ तपक्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् शब्द का प्रयोग मोक्ष को कांक्षने वाले प्रयोग करते हैं। तत् माने क्या है? लक्ष्य सूचक। तत् तत्वमसि में तत्, तत् माने ये जो व्यक्त रूप में जो भी सृष्टि है उस सृष्टि से जो परत्व जो तत्व है सृष्टि के ऊपर जो तत्व है उसको सूचित करते हैं तत् शब्द। तत् माने दैट, वह। जब हम वह कहते हैं हम इस व्यावहारिक जगत से ऊपर उठकर पारमार्थिक तत्व के ओर जा रहे हैं। है ना, व्यावहारिक सत्ता से ऊपर उठकर किसके ओर जा रहे हैं हम? हमारा लक्ष्य क्या है? परमात्मा। तो तत् नाम सुनते ही इदम नहीं है, ये नहीं है, वो है। वह माने शरीर से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, लोकों से परे, व्यवहारिक जगत से परे। व्यवहारिक जगत माने स्थूल जगत ही नहीं है, सब कुछ व्यवहार ही है। ब्रह्मादि स्थावर स्तंभ पर्यंतम, कीटक पर्यंतम। तो व्यवहार जगत से परे जो तत्व है ब्रह्म है, ब्रह्म का ही नाम है। एक नाम ओम हुआ, एक नाम तत् है। तो तत् शब्द स्मरण करते ही लक्ष्य के रूप में ब्रह्म का स्मरण हुआ। तो लक्ष्य के रूप में ब्रह्म का स्मरण कौन करते हैं? ब्रह्म का स्मरण केवल, हमें कुछ नहीं चाहिए, ब्रह्म ही चाहिए, ऐसा कहने वाले कौन हैं? मोक्ष कांक्ष भी। जो मोक्ष चाहते हैं उनका हमेशा ब्रह्म का नाम तत् पर बड़ा रुचि है, उनको बड़े जोर देते हैं। तो तद इति अनभिसंधाय, तद इति ब्रह्माभिधानम उच्चार्य, ब्रह्म का अभिधानम ब्रह्म का नाम तत् इति उच्चार्य, ऐसा कहकर तत् इति कहकर उच्चार्य। अनभिसंधाय च कर्मणः फलम्, और अभिसंधाय माने जोड़ना, अनभिसंधाय माने अपने आप को कर्म के फल से जुड़े बिना। अनभिसंधाय च कर्मणः फलम् यज्ञ तपक्रियाः, यज्ञक्रियाश्च तपक्रियाश्च यज्ञ तपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्षेत्र हिरण्यप्रदानादि लक्षणाः क्रियन्ते निर्वर्त्यन्ते मोक्षकांक्षिभिः मोक्षार्थिभिः मुमुक्षुभिः। क्या हुआ भी? उच्चार्य ब्रह्म अभिधानम, अभिधानम माने नाम, ब्रह्म का एक अभिधान माने नाम, अभिधेय नामी ब्रह्म वस्तु। तो ब्रह्म का नाम ओम तत् सत्, एक ब्रह्म का अभिधान क्या है? तत् इति, तत् इति, तत् ऐसा उच्चार करके, उच्चारण करके, तत् इति उच्चारण के द्वारा ब्रह्म अभिधानम, एक ब्रह्म का नाम उच्चारण करके। अनभिसंधाय च कर्मण फलम, यज्ञ करो, तप करो, दान करो, मगर अपने आप को फल से जोड़ते नहीं। माने अनभिसंधाय फलम, फल छोड़ दो, हमारा मन कहां पर है? फल के प्रति नहीं है। मगर यज्ञ कर रहे हैं, कर रहे हैं, तप हो रहा है, दान कर्म हो रहा है, मगर फल बिल्कुल नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का फल नहीं चाहते हम। कई बार कहते तो हैं कि फल नहीं चाहिए हमें, मगर नाम तो चाहिए, पहचान चाहिए,
ये भी पल है। अपना पहचान चाहिए, मैंने गुप्त दान दिया है, मैंने गुप्त दान दिया है करके हजार लोगों से बोलता है। बोलने वाले बहुत है, आप भी मिले होंगे, मैंने चुपचाप हुंडी में डाल किया। चुपचाप कैसे हुआ, सबको बोल रहे हैं चुपचाप, तब आप ही बोलना पड़ेगा, चुप रहो तू पहले, चुपचाप चुप चुप, क्योंकि कम से कम एक तो जान है मेरी कीर्ति के बारे में, मैं कितना दान दिया हूं, आज हुंडी में डाला हूं। तो अपने आप को यज्ञ दान तप क्रियाओं में फल के साथ जुड़े बिना, फल के प्रति बिल्कुल मन नहीं है, हट गया फल से, मिलता है अंतकरण शुद्धि होगी, तद्वारा अंतर्मुखी बनेंगे, अंतर्मुखी के द्वारा मोक्ष मिलता है। यज्ञ क्रियाश्च तपक्रियाश्च यज्ञ तपक्रिया दान विविधाः विविधा दान, विविधा माने एक प्रकार के दान नहीं, भगवान कहते क्षेत्र हिरण्य प्रदान आदि लक्षण, क्षेत्र दान माने भूदान, हिरण्य माने सुवर्ण इत्यादि दान, अनेक प्रकार के दान है। आजकल नोट है, चेक है, डीडी है, ऑनलाइन ट्रांसफर है, अब जो कुछ भी आप दान देते हैं, क्षेत्र दान भूदान देते हैं, स्थल दान, किसी को स्थल लिख के दे दिया, आप ले लो जमीन आश्रम के लिए, मंदिर के लिए, या और कुछ अच्छा सत्कर्म के लिए, क्षेत्र हिरण्य प्रदान, क्योंकि भगवान कहते हैं दान क्रियाश्च विविधाः, अनेक प्रकार के दान, विविध प्रकार के दान आप देते हैं, क्रियन्ते मगर फलः न अभिसंधाय माने अनाभिसंधाय माने फल को मन में नहीं रखते हैं, फल के प्रति उनका मन नहीं जाता। मोक्ष कांक्ष भी मोक्षार्थ भी मुमुक्ष भी, ये लोग तत् ब्रह्म का नाम में तत् उनको याद है, तत् तत् के रूप में ब्रह्म को याद करते हैं, तत् माने वह, तत्त्वमसि में तत् है, तदेव सौम्य इदमग्र आसीत, तदेव तदेव वड तत्व ब्रह्मलोन, हे सौम्य इदमग्र सबसे पूर्व ब्रह्म ही था, अभी भी ब्रह्म ही है, मगर तब केवल नाम रूप रहित तो शुद्ध ब्रह्म ही है। ये व्याकृत ब्रह्म, व्यक्त ब्रह्म, तो तत् नाम सुनते ही मोक्ष कांक्ष भी तत् का प्रयोग, तत् शब्द ऐसा उच्चार करके, हाँ यज्ञ यागा देखो सत ओमकार का उच्चार करके वेदवादी लोग भी यही करते, यज्ञ यागादि कर्म कर रहे हैं, तत् का शब्द उच्चार करके ये भी यही करते यज्ञ यागादि कर्म, इसलिए भगवान स्पष्ट कहते ये तो छोड़ना ही नहीं, करते रहना। ये भी छोड़ दिया मैंने, हमारा स्थिति कैसे हो जाएगा, कैसा होगा, अभी न घर का न घाट का हो जाएगा। अच्छा ओम तत् शब्दयो हो विनियोग उक्तः, अभी ओम कहाँ प्रयोग किया जाता है और तत् शब्द कहाँ प्रयोग किया जाता है वो तो बता दिया, अथ इदानीं सत् शब्दस्य विनियोगः कथ्यते, अभी सत् शब्द का प्रयोग, ठीक है। तो जिसका विस्तार है, देखिए ओमकार में क्या है, ओमकार ही सब कुछ है, तो जहां से विस्तार हुआ और जो तत्व सर्वव्यापक है वो ओमकार है, और जिसका ये सब विस्तार है वह तत् है, जिसका ये सब संसार जिसका विस्तार है उसको कहते हैं तत्, माने हम जब मैं कहता हूं
कि जिसका विस्तार है ये सब, माने मेरी दृष्टि कहाँ चला गया, चले गए कहाँ चले गए मेरी दृष्टि, परमात्मा की ओर। इस विस्तार ब्रह्म का ही विस्तार है, ये सब ब्रह्म का ही विस्तार है, इसमें ब्रह्म ही व्याप्त है ओंकार। इस सबको हटाकर जब भी मैं देखना चाहता हूं ब्रह्म को, एक जिसका विस्तार है, जिससे निकला, जिसमें स्थित है, वही है वो तत्व जो है, वो तत्व कहकर तत्व। अभी सत कहते, सत के बारे में क्या कह रहे हैं, सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थ युज्यते सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्द पार्थ युज्यते। अब देखिए सत शब्द का अर्थ, सत शब्द का मतलब क्या है भगवान हम समझा रहे, सत सत प्रयोग, एक है सत भाव, दूसरा है साधु भाव, हाँ ठीक है, तीसरा है प्रशस्ते कर्मणि तथा तत् शब्द सत शब्द, तीन उपयोग, तीन अर्थ अभी भगवान बता रहे हैं सत का। सत शब्द, सत मीनिंग ऑफ सत क्या है, सबसे पहले सद्भावे, सद्भाव माने आप देखो हिंदी में जो हमारा सरल अर्थ है उसमें मत घुसना। सत माने क्या है, विद्यमानता, एक है अविद्यमान और विद्यमान। अभी असतः सद्भावे यथा अविद्यमानस्य पुत्रस्य जन्मनि, सत माने एग्जिस्टेंस, विद्यमानता, विद्यमानता माने अंग्रेज में क्या कहते हैं एग्जिस्टेंस, क्योंकि विद्यमानता माने उसका पहचान हो रहा है, कैसे हो रहा है के रूप में है, ये है विद्यमान माने ये है, ये नहीं है ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है आपको, कुर्सी है, किताब है। आकाश पुष्प कभी भी नहीं है, ये असत है। तो विद्यमानता, जैसे कि सद यथा अविद्यमानस्य पुत्रस्य जन्मनि, देखो पुत्र का जन्म नहीं हुआ तब वो असत था, पुत्र नहीं है, जन्म होने के बाद विद्यमान हो गया तो विद्यमानता है, अभी पुत्र है। सो ये हाइफन जो भी है, नॉट इंग्लिश हाइफन, हिंदी है हाइपन जो भी है उसको कहते विद्यमानता, उसको कहते सत भाव, भाव माने पदार्थ, ये एक अर्थ हुआ सत माने विद्यमानता, एक है सत भाव, सत प्लस भाव सद्भाव, एक अर्थ हुआ सत माने जो अभी ये सत भाव ही है, सब कुछ जो आपके सामने है के रूप में जो भी भास रहा है वो सब कुछ सत है। वहां पे राम जी की मूर्ति है, सीता जी की मूर्ति है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब कुछ है, इसमें विद्यमानता है, वो है सत भाव। असत भाव का अनुभव कभी नहीं होता, ठीक है। अच्छा दूसरा अर्थ क्या, तथा साधु भावे,
साधभावे माने शुभ आचरण। जिस उदाहरण दे रहे असद्वृत्तस्य, असद्वृत्तस्य माने एक बुरा व्यवहार, बुरा आचार, अच्छा विचार, अच्छा आचार नहीं है, जिसका आचार विचार, जिसका आचार ठीक नहीं है, बुरा आचार वाले असद्वृत्तस्य असाधो हो सद्वृत्तता साधुभाव। जो बुरा आदमी है, बुरा आचरण करने वाला, बुरा आचरण करने वाला, उसमें परिवर्तन आ गया, फिर वो कहते हैं हम अच्छा आदमी बन गया। सो अच्छापन, अच्छाई के लिए ये सत का प्रयोग करते हैं, सत शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अच्छाई बनाने के लिए, बताने के लिए यहां पे सत है। देखिए असद्वृत्तस्य असाधो सद्वृत्तता साधुभाव। अच्छा कार्य है, अच्छा आचरण वाला है, पहले नहीं था ऐसा, अभी अच्छा हो गया। सो अच्छापन दिखाने के लिए सत का शब्द प्रयोग करते हैं, ठीक है, सत शब्द का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गए? पहले सत माने क्या है? विद्यमानता। दूसरा सत क्या है? अच्छाई का निर्देशक। पहला बुरा आचरण वाले अभी अच्छा बन गया, अच्छा आदमी हो गया, बुरा आदमी अच्छा आदमी, सद व्यक्ति, सत्संग, सत बुद्धि, सद व्यवहार, सद आचार, सद वृत्ति, सत संकल्प, काफी उदाहरण। सतगुण, सतगुण, तो सत माने अच्छा। सो एक अच्छाई का निर्देशक है सत शब्द। साधुभाव, तस्मिन् साधुभावे च सदिति एतद् अभिधानं ब्रह्मणः प्रयुज्यते तत्र उच्यते अभिधीयते प्रशस्ते कर्मणि। और दूसरा तीसरा है प्रशस्ते कर्मणि प्रयुज्यते, और बिना रुकावट, प्रशस्ते कर्मणि रुकावट के बिना शीघ्र सुख देने वाले जो भी कर्म है उसको भी वहां पे भी सत शब्द का प्रयोग करते हैं। सुख देने वाले जो भी कुछ भी कर्म है, आनंद देने वाला जो कर्म है, शुभ कर्म जो भी है, शुभ कर्म प्रशस्ते कर्मणि सत्कर्म, जैसे विवाह आदि इत्यादि। आचार्य एक उदाहरण दे रहे हैं, शुभ कार्य विवाह आदि शुभ कार्य बोलते हैं, अशुभ कार्य नहीं कहते ना। यज्ञ याग आदि शुभ कार्य, विवाह आदि शुभ कार्य, नामकरण शुभ कर्म। तो विवाह आदौ च तथा सत शब्द पार्थ युज्यते प्रयुज्यते इति एतत्। तो सत शब्द का तीन, प्रशस्ते कर्मणि अच्छा कर्म के लिए ही, और अच्छाई अच्छापन के लिए ही, और विद्यमानता के लिए ही सत शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसका प्रयोग कहाँ है? यज्ञ दान तप क्रियाओं में। तो आगे भगवान कहते हैं यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। अब देखिए, जान से सुनिए, जान से सुनिए। यज्ञे यज्ञ कर्मणि, यज्ञों में, दानों में, दान कर्मों में, तप में माने तप कर्मों में, सत का देखिए अभी तो सत का अर्थ साधुभावे सद्भावे पर प्रशस्ते कर्मणि, तीन का बता तो दिया। अब यज्ञ दान ये क्रियाओं में सत शब्द माने जोड़ने से इसका मतलब क्या होता है? यज्ञ दान तप क्रियाओं में सत शब्द जोड़ने से मतलब क्या बनता है, इसका मतलब क्या है, ये बता रहे हैं। स्थिति ही, ये है स्थिति ही,
यज्ञे यज्ञ कर्मणि या स्थिति ही, जो स्थिति है, स्थिति माने निरंतर प्रवृत्ति, स्थिति माने स्थिरता, स्थिति निरंतर प्रवृत्ति जो भी है माने बिना रुकावट, बिना लोप, हाँ यज्ञ कर रहे हैं उसमें निरंतर प्रवृत्ति होनी चाहिए। जब तक आप कर्म कर रहे हैं उसमें कुछ प्रवाह बनता है, उस प्रवाह में लोप नहीं होना है। तप क्रिया में एक प्रवाह बनना है, उस प्रवाह बनाते समय लोप नहीं होना चाहिए। दान में भी एक प्रवाह बनना है, वृत्ति का प्रवाह बनना है। दान का आप संकल्प किया है, देते समय और एक संकल्प किया, फिर प्रवाह में लोप आ गया, निरंतर प्रवृत्ति नहीं बनी, वहां पे अंतर आ गया। देते पहला एक आदमी को दान देने के लिए निश्चय किया, देते समय आपके मन में यह विचार आया कि पता नहीं ये योग्य है या नहीं, दे तो रह रहा हूं, उस प्रवृत्ति में भंग आ गया, तब वो क्या हुआ, दान में तप में क्रिया में ऐसे में संकल्पों, जैसे ही संकल्प से श्रद्धा से ही भगवान आगे कहते हैं श्रद्धा, तो श्रद्धा में लोप न हो, तो निरंतर प्रवृत्ति है उसको कहते हैं स्थिति ही, माने स्थिरता। जब आप तप में स्थित हैं वहीं स्थित हो, यज्ञ कर्म में आप यज्ञ कर रहे हैं, जब तक कर्म नहीं होता स्थिरो भूत्वा, स्थिर बनकर स्थिर होकर करे। अरे मैंने बेकार में संकल्प किया है, अब मेरे से हो नहीं पा रहा है, इतने घंटे मैंने सोचा आधा घंटा में पंडित जी खत्म कर लेंगे, अभी दो घंटे से बिठाया, मेरा पैर दर्द हो रहा है, बैठ नहीं सकता हूँ, जल्दी खत्म कर लो पंडित जी, आरती दे दे, ये स्थिरता नहीं रही। तपस्या में भी आप संकल्प कर लेते हैं आज शिवरात्रि है, चलो 24 घंटे कुछ नहीं खाऊंगा, मगर उसी दिन आश्रम में अच्छा अच्छा प्रसाद बन रहा है स्वादिष्ट, अब आपको लगा कि कुछ खाएं, और उस दिन स्वामी जी कुछ नहीं दिया आपको, और आपके मन में संकल्प आ गया तो ठीक है स्वामी जी दे दिए तो खा लेंगे, और स्वामी जी तो पूछा नहीं, और आपके मन में ये वृत्ति बहरी है कि कम से कम कोई आके बोले कि प्रसाद खा सकते हैं, व्रत भंग नहीं होता तो फिर मैं खा लेता हूं, मगर कोई ऐसा बोलने वाला नहीं मिला, माने इसमें स्थिरता नहीं है, तो भंग हो गया कि नहीं, तपस्या में भंग है। गहरे गहरे बातें हैं सब, तो वृत्ति में भंग ना हो, संकल्प में भंग ना हो, क्रिया में भंग ना हो, स्थिति बनी रहे, उसको कहते सत। तो यज्ञ यज्ञ कर्मणि यज्ञ कर्मों में या स्थिति ही, जो स्थिति है निरंतर प्रवृत्ति है, तपसि च या स्थिति ही तप में जो स्थिति है, दाने च या स्थिति ही दान में जो स्थिति है, स्थिरो भाव है स्थिति ही, सा च सदिति उच्चते विद्वद्भिः विद्वद्भिः, महात्माओं के द्वारा विद्वानों के द्वारा ऐसे ही कहा गया, यही है सत। यज्ञ तप दानों में दान क्रियाओं में सत का मतलब क्या है, स्थिति, ठीक है। यज्ञ दान तप क्रियाओं में सत का मतलब क्या है, स्थिति ही, स्थिरता, निरंतर प्रवृत्ति। और कर्म च एव तदर्थियम अथवा
यस्य अभिदानत्रयम् प्रकृतम् तदर्थेयम् यज्ञदान तपार्थेयम् ईश्वरार्थेयम् इति। और कर्म किस लिए किया जा रहा है? ईश्वरार्थम्। यस्य अभिदानत्रयम् प्रकृतम्, प्रकृतम माने अभी प्रकृत विषय जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिन नामों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, माने जिस ब्रह्म के बारे में, जिसका तीन नाम वाले ब्रह्म के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, अभिधानत्रयम् प्रकृतम् तदर्थियम्, उस ब्रह्म के लिए ही ईश्वर, माने ब्रह्म ने ईश्वर, तदर्थियम् ईश्वरार्पितम् नेच्छयाकृतम्। देखिए रमण महर्षि तो कह तो दिया, ईश्वरार्पितम् नेच्छयाकृतम् चित्तशोधकम् मुक्ति साधकम्। ये कि आप करेंगे जीवन में, जो कुछ भी कर रहे हैं सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर दो, बस आपको मुक्ति मिल जाएगी, कुछ करे बिना। मैं करने रही हूं सब कुछ ईश्वर ही कर रहे हैं, और ईश्वर मैं जो कुछ करता हूं, यदि मेरे में ये भावना आ गई कि मैं कर रहा हूं तो कोई बात नहीं, ईश्वर को अर्पण, फल तुम ले लो, फल हमें कुछ नहीं चाहिए। अभी हमें कुछ नहीं चाहिए इसमें डर है हमको, भगवान लेंगे क्या सारा, ऐसा हो सकता है क्या? ज्यादा भी देते भगवान, वो हमारा देखभाल देखेंगे। तदर्थियम यज्ञ तपर्थियम ईश्वरार्थियम इति एतत् सदिति एव अभिधीयते। तद एतद् यज्ञ तप आदि कर्म असात्विकम विगुणमपि। देखिए यज्ञ तप दान कर्म असात्विक हो और विगुण हो, विगुण माने लोप हो, असात्विक भी हो तो भी श्रद्धापूर्वकम ब्रह्मण अभिधान त्रय प्रयोगेण। भाई इसमें लोप असात्विक हो सकता है, विगुण भी हो सकता है, लोप के साथ, विगुण माने रजोगुण दोष तमोगुण दोष भी आ सकते हैं, असात्विकम हो तो भी यज्ञ तप आदि कर्म असात्विकम विगुणमपि श्रद्धापूर्वकम ब्रह्मण अभिधान त्रय प्रयोग। श्रद्धापूर्वक ब्रह्म के नामों को प्रयोग करते हुए करने से, ओम तत् सत् सत् इस शब्दों का प्रयोग करने से, करते हुए ऐसा यज्ञ दान तप क्रिया, इसमें दोष हो तो भी दोष निवारण होकर फल आपको मिलेगा। सगुणम सात्विकम संपादितम भवति, वह यज्ञ सगुण हो जाएगा, सात्विक हो जाता है। हाँ जी, श्रद्धा पूर्वक उच्चारण से, श्रद्धा रखो और ये ओम तत्सत का प्रयोग करके करने से। श्रद्धा के बिना ओम का उच्चारण किया, तत् का उच्चारण, सत का उच्चारण, कुछ नहीं मिलेगा आपको। भगवान स्पष्ट कहेंगे आखिरी श्लोक में, कुछ भी देने वाला नहीं हूं, बोल तो दिया भगवान, बोल देंगे आगे आगे, मैं कोई भी पल देने वाला नहीं हूं। यदि आपके भीतर श्रद्धा नहीं है तो कोई फल मिलेगा नहीं आपको, चाहे जीवन पर्यंत आप सब कुछ करो, यज्ञ करो, दान करो, तप करो, घूमो फिरो, जो कुछ भी करो, पाठ करो, आगे कहेंगे आपको कुछ भी पल देने वाला नहीं। तत्र च सर्वत्र श्रद्धा प्रधानतया सर्वं संपाद्यते यस्मात् तस्मात्, क्योंकि सब कुछ जो कुछ भी है श्रद्धा से ही संपन्न होता है। इसीलिए भगवान आगे आखिरी श्लोक में 17वां अध्याय का भगवान स्पष्ट कहते हैं, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। यहाँ पर देखिए अश्रद्धयाहुतं हवनं कृतं, अश्रद्धा पूर्वक हवन किया, ये
एक उदाहरण क्या है, दक्ष यज्ञ। दक्ष प्रजापति को बड़ा यज्ञ किया मगर ईश्वर पर भरोसा नहीं है, ईश्वर को आवाहन नहीं किया, शिवजी को बुलाया नहीं, क्योंकि श्रद्धा नहीं है। फिर बकरा बन गया आखिर में, फल तो नहीं मिला, विरुद्ध फल मिला, यज्ञ का ध्वंस हुआ। ये जबरदस्त उदाहरण हमारे शास्त्रों में, पुराणों में। तो भगवान के ऊपर भरोसा बिना आप यज्ञ किया कोई फायदा नहीं है। पैसा देकर किसी पंडित को बुलाकर मेरे नाम पे यज्ञ कर देना, ठीक है बेटा, वो पंडित बुलाएगा, आप कम से कम संकल्प में बैठोगे, नहीं नहीं बिल्कुल टाइम नहीं है, आप कर लो। ऐसे कराने वाले बहुत है, बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, वो फल चाहते हैं, तपस्या और किसी से करवाए फल हम ले, बेशरम लोग हैं भाई। कम से कम बैठो, ठीक है, हजार बार लाख बार जब करना है तो कर नहीं सकते हो, करा रहे हो ठीक है, कम से कम बैठो वहां बगल में बैठ के, आंख बंद करके कुछ नींद लगे सो जाओ कम से कम, ईश्वर को प्रार्थना करके, वो भी नहीं करते। तो अश्रद्धया हुतम हवनम कृतम दत्तम च ब्राह्मणेभ्यः अश्रद्धया, ब्राह्मणों को दन दिया, आचार्यों को दक्षिणा दिया, अश्रद्धा। कोई श्रद्धा नहीं है। बड़े विनय भाव से, विनम्र भाव से, भक्ति भाव से इस दान में भी कुछ लोप ना हो, ऐसा करके कंजूसी बिना, पर जितना देना है उतना दो। कई बार ब्राह्मणों को कई मैंने सुना है कि दक्षिणा भी ठीक से नहीं, पहले बात होती है बाद में नहीं कर देते उतना, उसको लगता है कि इतना कर्म काम नहीं था इसमें, इतना दक्षिणा क्यों देना है। और तपः तप्तम अनुष्ठितम अश्रद्धया, तपः तप्तम तप तो किया है मगर अश्रद्धया अनुष्ठितम, बस 1000 बार नाम जप करना है, घुमा लेते हैं फटाफट 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 घुमा लेते हैं, पूजा करते हैं। और भगवान कह रहे तथा अश्रद्धया एव कृतम यत् स्तुति पाठ, स्तुति आप हम लोग पारायण बहुत करते हैं, हनुमान जी पाठ करते हैं, सुंदराकांड पाठ करते हैं, और ललिता सहस्रनाम पाठ करते हैं, यहाँ पे भगवद गीता पाठ करते हैं, गीता का पाठ भी पूरा पाठ करते हैं कभी कभी, वो बहुत सारे पाठ होता है, स्तुति करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, स्तुति नमस्कार आदि सुबह शाम चक्कर काटते हैं हनुमान जी को शिव जी को, स्तुति नमस्कार आदि तत्सर्वम सब कुछ असद इति उच्यते। असद माने बिल्कुल नहीं है, ना कि बराबर नहीं, बराबर कुछ नहीं है ही नहीं वहां पे, माने फल शून्यम, कोई भी कुछ भी मिलेगा नहीं। श्रद्धा एक ऐसी चीज है, श्रद्धा के बिना सब कुछ क्या है, शून्य है। जैसे कि तेलुगु में एक कवि ने लिखा, उप्पु लेक रुचि पुट्टक नटया भास्करा, माने इतने रसोई बनाया मगर नमक भूल गया तो रुचि आ सकती क्या, तो नमक के बिना रुचि नहीं लगती। भास्कर शतकम, सब कुछ है मगर नमक नहीं डाला, वो टेस्टी बंद हो जाता है। इसी तरह श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी फल नहीं मिलेगा। भगवान स्पष्ट कह दिया इसमें, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असदित्युच्यते पार्थ। क्योंकि क्यों असत है,
मत प्राप्ति साधन मार्ग बाह्यत्वात्। वाह ब्यूटिफुल थिंग। मत प्राप्ति साधन मार्ग बाह्यत्वात्। मुझको प्राप्त करने का जो साधन मार्ग है, इस साधन मार्ग से बाह्य है ये सब। बिना श्रद्धा यज्ञ दान तप क्रिया नमस्कार स्तुति पाठ जो कुछ भी हम करते हैं, ये सब मार्ग के बाहर है, साधना मार्ग के बाहर है। क्योंकि श्रद्धा इसमें नहीं है। श्रद्धा है सब कुछ है। तो भगवान क्या देखते हैं पूजा में, पाठ में, प्रदक्षिण में, स्तुति में, नमस्कार में, क्या देखते? एक ही चीज को देखते हैं। आप कितना समय पाठ किया, कितना देरी तक बैठे हैं, क्या किया है, कितने बड़े बड़े यज्ञ किया है, कितना दान दक्षिणा दिया है, कितने ब्राह्मणों को भोजन कराया, कितने लोगों को भोजन अन्नदान किया, ये सब भगवान नहीं देखते। आप करो या ना करो, आपके अंदर श्रद्धा कितनी है। करना है यज्ञ दान तप क्रिया त्याज्यम न त्याज्यम, सॉरी छोड़ना नहीं है, मगर श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धा के बिना कुछ भी नहीं। और न चतत बहुआयासम अपि प्रेत्य फलाया। देखिए, श्रद्धा के बिना बड़े आयास पूर्वक, बड़े प्रयत्न पूर्वक, कष्ट से, मेहनत से आपने पूरा किया। मैंने इतने मेहनत किया, भगवान बोलते श्रद्धा नहीं है तो फल नहीं मिलेगा। नहीं, मैं इतने बड़े बड़े यज्ञ का संपन्न किया, वो किया, ये किया, श्रद्धा नहीं है तो मिलेगा नहीं। पूर्व काल में अभी भी है कुछ कुछ लोगों के मन में ये कि जैसे कि एक टाइटल लगना चाहिए, क्या है कि ये तो 100 यज्ञ किए हैं, अश्वमेध यज्ञ किया है, ये यज्ञ किया है, वो यज्ञ संपन्न किया है, उनमें ये तो ये किया है, ये दान दक्षिणा, ऐसे अभी भी लोग हैं कि वो टाइटल चाहते हैं। भागवत ने स्वामी जी 108 भागवत सप्ताह कराया होगा, मगर क्यों कराया? शायद नाम के लिए। यदि नाम के लिए किया श्रद्धा रहित, फिर क्या फायदा? तो भगवान कहते हैं बहुआयासम अपि, बड़े प्रयास करके आपने संपन्न किया, पूरा किया, तो भी फल नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रेत्य फलायन अपि इहार्थ साधु भी। देखिए, मरने के बाद भी फल नहीं मिलेगा, जीवित समय में भी आपको फल नहीं मिलेगा, उल्टा साधु लोग आपकी निंदा करते हैं। साधु लोग, महात्मा लोग निंदा करते हैं कि क्या फायदा, इतना किया है भोजन नहीं किया, कराया नहीं, इतना किया श्रद्धा से नहीं किया, विधि विधान से नहीं किया, गर्व से किया है, श्रद्धा नहीं है, तो ऐसे साधु लोग निंदा करते हैं। तो जीवन में भी आपको फल नहीं मिलेगा कुछ भी, मरने के बाद भी कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा माने कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुआयासम अपि, आपने बड़ी मेहनत की, भाई मेरा कष्ट क्या हुआ? कष्ट पूरा गंगा सागर में डूब गया, आपके मेहनत पूरा चला गया, कोई पल नहीं मिलेगा आपको, ऐसा भगवान स्पष्ट कह रहे हैं। तो श्रद्धा, जितनी श्रद्धा है, श्रद्धा के बूंद 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 बूंद, बहुत सारे पुष्प है, पर पुष्प से एक एक रस निकलता है, वो शहद बनता है। ऐसे ही श्रद्धा भी एक एक बूंद, जितनी श्रद्धा है उतना ही आपको फल मिलेगा।
जितना समय के लिए आप कर्म किया है, काम किया, यज्ञ किया, तप किया, दान किया, ये भी ज्ञान है यज्ञ। वो करते जा रहे, करते जा रहे, बोलते जा रहा हूं मैं, आप सुनते जा रहे हैं, दोनों को कुछ नहीं मिलेगा यदि दोनों में श्रद्धा नहीं है। तो आजीवन पर्यंत करते रहो, सुनते रहो, बोलते रहो, मगर जहां मन नहीं है, भगवान पर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, भक्ति नहीं है, तो कुछ भी मिलेगा नहीं, ऐसा भगवान स्पष्ट कह दिया। तो स्तुति में, नमस्कार में, पाठ में, प्रदक्षिण में, आप जो कुछ भी आप करते हैं, श्रद्धा के बिना आपको फल नहीं मिलता। ऐसा करके 17वां अध्याय का भगवान समापन करते हैं। इति श्री महाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम 17वां अध्यायः। ओम, पहला श्लोक करना है। ओम अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।